गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आर सेकंड लास्ट डे इन दुबई। सो मैंने सोचा कि भाई शॉपिंग तो कंटिन्यू चल रही है, आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा होगा। तो आज हम जा रहे हैं गोल्ड सुक मार्केट। गोल्ड सुक मार्केट से करेंगे हम गोल्ड की शॉपिंग। गोल्ड सुक इज़ फेमस फॉर गोल्ड, येस। सो हम कुट्टू के लिए जा रहे हैं गोल्ड खरीदने के लिए, इसको गिफ्ट दिलाना था। और ये हमने कैब कर ली अपने होटल से क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी वहाँ पे। और बेस्ट पार्ट इज़ हर कैब के अंदर यहाँ पे आपको कार्ड मशीन मिल जाएगी। सो गाइज़, ये है गोल्ड सुक मार्केट दुबई की। और यहाँ पे फेमस इसलिए है क्योंकि यहाँ के प्राइजेस में और इंडिया के प्राइजेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब यहाँ पे आपको एक तोला लगभग 53 या 52 के आसपास मिल जाएगा। ऑल ओवर द यूएई आपको प्राइस सेम मिलेगा, प्योरिटी ऑफ गोल्ड सेम मिलेगी क्योंकि दिस इज़ ऑपरेटेड एंड रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज़ ऑफ दुबई। तो आपको गोल्ड की प्योरिटी में कोई शक नहीं है, कुछ भी डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे ज़्यादातर 0% मेकिंग चार्जेस के साथ मिलता है। तो आई वुड सजेस्ट कि उसी शॉप के अंदर एंटर करना जो आपको ये फैसिलिटी दे रही हो, बाकी नेगोशिएशन नहीं होगा। गाइस, ये इसका बर्थडे गिफ्ट है जो बहुत टाइम से पेंडिंग था। सो फाइनली आज शी गॉट इट एंड शी इज हैप्पी। दुबई का ट्रिप भी सक्सेसफुल हो गया। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, मुझे यहीं आके लेना था। हाँ, इसने काफ़ी टाइम से पेंडिंग रखा हुआ था। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। आई वॉज प्लानिंग कि मैं यहाँ से आईफोन 15 प्रो ले लूँ, बट मेरा अभी मन नहीं कर रहा है क्योंकि फ़ोन मेरा ठीक है और अभी कुछ महीने में ही 16 प्रो आ जाएगा। सो लाइक होपफुली हम दोबारा यहाँ पे ट्रिप कर पाएंगे तो अच्छा हो जाएगा काफ़ी, फिर कुछ और ले लेंगे। तो अभी बाहर चलते हैं कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में, फिर देखते हैं कुछ खा लेंगे यहाँ से। राइट। हम निकले थे यहाँ से ओल्ड सुक मार्केट से। और उसके बाद हमने कैब नहीं करी और हमने सोचा हम वाटर टैक्सी का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं। ये एक दिरहम की है भाई बस, मतलब आपको डेरा से पूरे दुबई पहुंचा देगी। मतलब ओल्ड दुबई से न्यू दिल्ली, ओल्ड दुबई से न्यू दुबई। तो अभी हम ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लाइन लंबी है बट बहुत जल्दी जल्दी नंबर आ रहा है। इसमें कोई टिकट नहीं लेनी है आपको, सीधा वहाँ पे देने हैं पैसे। जैसे मैंने पहले भी 10 दिरहम निकाल रखे हैं तो वो 2 दिरहम काट लेगा दो बंदों के। सो गाइस, फाइनली हमारी बोट निकल चुकी है। देखो भाई यार, ये सही है यार मजे लेने के लिए। 1 दिरहम में बस 20 रुपये में आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाओगे। जो कि अगर आप गाड़ी से आ रहे हो तो हमने फर्स्ट डे जहाँ से हमने अपना क्रूज़ किया था पूरा गोल घूम के आना पड़ेगा क्योंकि बीच में रिवर है आपकी। मैं आया था जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने देखा होगा रील्स में बहुत फेमस है। तो कुट्टू के साथ, लेकिन वो भाई दोनों है नहीं अंदर। तो अब हम प्लान कर रहे हैं जाने का। बहुत भीड़ है यार अंदर, बहुत ज़्यादा, और वो दोनों भी नहीं है अंदर। तो गाइस, हम मीना बाज़ार में अपनी शॉपिंग करने के बाद घूम घाम के आ चुके थे। पर मीना बाज़ार में मोस्टली शॉप्स आज जो है ना वो बंद है ईद की वजह से। आज यहाँ ईद है, कल इंडिया में ईद है। तो अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 7:40 दुबई का टाइम। तो अभी हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, इतनी जल्दी जाके क्या करेंगे। और कल हमें इंडिया के लिए निकलना है रात को 11 बजे। तो हम सोच रहे हैं थोड़ा अच्छी सी वाइब्स ले लें यहाँ की और एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा बैठे हुए हैं। बाहर ट्रैफिक है, यहाँ मेट्रो स्टेशन है मेरे साइड में, अभी दिखाता हूँ। और बढ़िया सूदिंग वाइब्स है, थोड़ा कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पी के इन्जॉय कर रहे हैं। देखो ये मेट्रो स्टेशन है शरफ डी जी का, ये हमारे होटल से सबसे पास है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रोड है, रोड ऐसे लोग चल रहे हैं यहाँ पे। तो ये कुट्टू बैठी गई है, हमारा रेस्टोरेंट है ऐसे ही ओपन। सो गाइस, फाइनली आज हमारा दुबई का जो लास्ट डे था, मतलब लास्ट नाइट इन दुबई आप कह सकते हो, वो ओवर होने वाली है। हम वापस आ चुके थे अपने होटल में और यहाँ आके हमने पिज्ज़ा ऑर्डर किया था। यार पिज्ज़ा कुछ खास नहीं था, आप मेरे पीछे देख सकते हो, 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे हमने लगभग विद पेप्सी, 49 dirhams का हमें पड़ा। और पिज़्ज़ा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मैंने अभी हाउसकीपिंग वालों को फ़ोन किया है कि भाई आप लेके चले जाओ। हमने एक एक पीस खाया है, दोनों पिज़्ज़ा में से एक एक स्लाइस खाई है, बाकी सारे बचे हैं तो हम उनको एज अ टेस्ट दे रहे हैं। अब मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है बिकॉज मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ से आईफोन लेने का। तो कोशिश करूँगा सुबह जाके मॉल से आईफोन ले आऊँ क्योंकि कल रात की हमारी फ़्लाइट है 10-11 बजे की। तो वही प्लान रहेगा कि सुबह जाके यहाँ से कैब करके आईफोन ले आऊँ। अभी तक का प्लान यही है, हो सकता है कुछ चेंज हो तो पता नहीं, लेट्स सी। तो अभी बस सोऊंगा आराम से और उठना भी जल्दी है, कल ब्रेकफास्ट यहीं कर लेंगे। तो पूरा दिन कल हेक्टिक जाने वाला, रात की फ़्लाइट है। तो हम परसों मतलब मॉर्निंग में 4-5 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर जाएंगे। दुबई का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मेरे लिए। बाकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो यहाँ आने से पहले। बाकी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का, वाइब्स भी बहुत अच्छी हैं।
बाकी अगली वीडियो मिलते हैं, घर चल के आपसे आराम से तसल्ली से बात करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कुछ भी अगर आप प्लान कर रहे हो दुबई आने से पहले और कुछ जानना चाहते हो तो जरूर पूछना। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट जितना मुझसे हो सकता है।